उत्सव रहेगा। कहाँ खबर आती है कि मौत हो गई है, मातम हो गया है, किस तरीके का घटनाक्रम घटा है। स्थानीय जो दूसरे लोग थे, परिवार की तस्वीरें राजेश जी दिखाते रहिए और बात उन लोगों से करते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम में मौजूद थे, देखे थे, पूरी बात बता रहे थे। आप मुझे बताइए साहब, वो कौन लोग थे? क्या स्थानीय स्तर पर डेली झगड़ा होता रहता है? ऐसा है कि सर, वो गुंडा माफिया स्तर के लोग हैं जो कि राजनीतिक से पोसे पाले गए गुंडे हैं, और कुछ जो है उनके पिताजी सिविल इंस्पेक्टर हैं, वो जो भी कुछ कैसे कांड करते हैं, मैं वसूली हुआ, चाहे दबिश देना हुआ, जैसे भी किसी तरह से किसी को धमकी देकर पैसा वसूलना हुआ, ये सब जैसे वो काम करते हैं, हमेशा अंजाम देते हैं। वो क्या होता था सर, जब भी कोई पुलिस केस करता था सर, तो उन पे जो उनको दबाव डाल के उनका केस सुलझा लेते थे। उनकी बच्ची ही है जिनकी मौत हो गई, उनकी पिता उनकी बच्ची हैं, उनके पिताजी हैं। और सर ये क्या हुआ कि सर 13 तारीख को शाम को रात का 11:30 बजे की उपाय था सर, उन्होंने आए यहाँ पे पास चालू झगड़ा चालू कर दिया। हम लोग द्वारा, जनता द्वारा उन लोगों को हटा के कहा गया कि भाई आप लोग जाइए, यहाँ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेम वकील जो है शादी समारोह का समय है, आप लोग जाइए, झगड़ा निपटा लिया गया था सर। पीछे से लेके गाड़ी आई, उन्होंने क्या किया सर कि वो सब लोग अपने गाँव की तरफ आ रहे थे सर, उन्होंने पीछे से जाकर और उधर से रंग रूट साइड से उन्होंने आकर पीछे से मारते हुए चले गए सर। हम लोग मौके पर मौजूद थे सर, ऐसे मारा गया जिस तरह कोई क्या पीछे जैसे जम्मू कश्मीर में होता है कि सरकार धरना प्रदर्शनियों द्वारा किसी को मौत किया जाता है, उसे जैसा अपने जान बचाने के लिए देने वाला है। यहाँ पर उत्सव का माहौल था, खुशी का मौका था, लेकिन अब वो मातम में तब्दील हो चुका है। और ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर आपको एक बार फिर दिखाते हैं, तस्वीरें आपको विस्तृत कर सकती है। यहाँ पर लोग इकट्ठा है उस हॉल के बाहर जहाँ पर तिलक का फंक्शन था, अचानक से गाड़ी आती है और जो लोग आगे खड़े हुए उनको रोनते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, मानो सड़क पर कोई है ही नहीं। और इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हो जाती है जो पड़ोसी घर का रहने वाला था, उसकी मासूम बच्ची, पूरा जो परिवार है वो उस वक्त किस कदर गमगीन है वो आप इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। और उस परिवार का जो दुख है वो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन किस तरीके से नशे में धुत इन युवकों ने इन लोगों पर गाड़ी चढ़ाई वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, वीडियो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर तिलक उत्सव का कार्यक्रम, लोग हॉल के बाहर खड़े अपने अपने घर जाने के लिए तैयार, सामने से आती है गाड़ी जो आगे की तरफ लोग खड़े हुए हैं उन्हें रौंदती हुई पड़ जाती है और हादसे में एक शख्स की मौत हो जाती है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस से पूछताछ